फोटो खींच दे तो जल्दी दोस्तों। अभी जो है हम लोग ब्रह्मस्थान बरियारपुर आए हैं और रॉकी जी ने हमें यहाँ से कॉल किया है और देख पा रहे हैं इनका कमरा है और नीचे क्या है, नीचे पक्की नहीं है, नीचे कच्चा मिट्टी है और इसी में जो है एक सांप रह रहा था काफी दिन से। तो लोगों ने क्या किया कि इसमें जो है एक तरफ से निकाल के उसके बाद हम गिरे। हाँ, तो लोगों ने इसमें पानी भर दिया है और वहाँ आप देख सकते हैं सांप जो है दोस्तों वहाँ पर से मुंह निकाल के सांस ले रहा है, तो हमें उसका रेस्क्यू करना होगा। हमें लगता है ये कोबरा सांप ही है, यहाँ से जो है सांप मुंह निकाल रहा है और यहाँ बिल है पूरा निकल रहा है ना। हाँ, जी जी भी फेंक रहा है, पूरा निकल रहा है सांप बाहर नहीं। बाहर नहीं निकल रहा, बाहर नहीं निकल रहा है। तो दोस्तों कुछ दिमाग लगाते हैं इसे निकालने का हम लोग। तो दोस्तों यह सांप निकल रहा है और इसे हम लोग क्या है थोड़ा सा सांस लेने में प्रॉब्लम करेंगे, यह खुद निकल जाएगा बाहर। तो यह सांप अब पकड़ा गया दोस्तों, अभी अब पकड़ा गया है और इसे कुछ दिख नहीं रहा है और यह कोबरा सांप है। थोड़ा पानी लाइए। तो देख सकते हैं साथियों ये कोबरा सांप है और कमरे के अंदर था और क्या है कि थोड़ा सा जो है इसे चोट लगी है साथियों यहाँ पर देख सकते हैं। हो सकता है लेबर मजदूर जब काम कर रहे हो इस दरमियान इसे यहाँ पर थोड़ी सी चोट लग गई हो। तो हम क्या करेंगे अभी थोड़ा देर हम वेट करेंगे इसे सूखने का, बाटी हटा दीजिएगा और फिर हम इसका रेस्क्यू करेंगे। पहले हम वेट करेंगे कि थोड़ा सूख जाए जिससे कि हम वहाँ पर इसके कुछ हल्दी वगैरह लगा देंगे तो इसके जख्म पे आराम लगेगा, वरना क्या है कि मक्खियाँ लगेगी। और देख सकते हैं कोबरा ने अब अपना फन फैला दिया है। हमलावर भी है ये कोबरा सांप, थोड़ा सा हमला कर रहा है। हम लोग थोड़ा देर इसका वेट करेंगे या सूख जाएगा फिर हम लोग जो है ये कुछ सूखा कपड़ा दीजिएगा। ये सूखा कपड़ा देखो दंद हुआ हुआ आपको चोट लगा हुआ भैया पहले इसका चोट लगा है पहले इसका ट्रीटमेंट हेलो में हल्दी पीस के दीजिए। कितने दिन की शॉप है सर? और पंचर हुआ इसका पंचर हो गया। हां वही तो इसका बॉडी ट्यूबे का तरह रहता है ना मिला हेलो साथियों क्या है यहाँ हम लोग इसे थोड़ा सा हल्दी लगाते हैं। हल्दी क्या है एंटीबायोटिक होती है और जख्म पर इसके कारण ना चीटी लगेगी इसके ना मक्खी लगेगी और जख्म भी रिकवर होगा जल्दी।
सांप सुन सकते हैं गुस्से में किस तरह से फुफकार रहा है। हो सकता है इसे दर्द हो रहा हो जहां हम लोग टच कर रहे हैं इसे, लेकिन इसे हल्दी लगानी जरूरी है। यहाँ इसका थोड़ा सा डैमेज है, दिल में गुजरा। चलिए साथियों अब इसको हम लोग रेस्क्यू करते हैं। तो आइए दोस्तों अब इसे हम लोग पैक करते हैं बड़े ही प्यार से। हेलो, हाँ हमने सांप को अच्छी तरह से रेस्क्यू कर लिया और जो हल्की सी चोट लगी थी इसे उस पर हम लोगों ने हल्दी पाउडर लगा दिया है और ये जल्दी ही रिकवर कर जाएगा और इसे हम लोग जाके अभी के अभी रिलीज कर देंगे पर्यावरण में जहां इसके जख्म जल्दी हील कर जाए और ये जल्दी से ठीक हो जाए और घर वाले भी अब टेंशन फ्री हो गए हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा रेस्क्यू वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं अगली बार फोटो खिले पकड़ हो गया चलो।